मैं सुमेरु महाराज केसरी और राजमाता अंजना पुत्र हनुमान युवराज पद की शपथ लेता हूँ। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ अपने पद की मर्यादा और गरिमा का ध्यान रखूँगा। मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अपने पद की मर्यादा और गरिमा का ध्यान रखूँगा। युवराज हनुमान की जय। केसरी नंदन युवराज की जय। अंजना पुत्र युवराज की जय। हनुमान जी की जय। युवराज हनुमान जी की जय। युवराज हनुमान जी की जय। महादेव देखा आपने, हनुमान से अधिक प्रसन्नता तो हनुमान की माता अंजना के मुखड़े पर दिखाई दे रही थी। ये स्वाभाविक है देवी, पुत्र की हर उपलब्धि पर सबसे अधिक प्रसन्नता तो मां को ही होती है। युवराज अब आसन ग्रहण कीजिए। जी। युवराज हनुमान की जय। युवराज हनुमान की जय। केसरी नंदन युवराज की जय। अंजना पुत्र युवराज की। हनुमान युवराज पद की गरिमा बनाए रखना पुत्र, सदा आनंदित रह, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। प्रणाम वायुदेव। कल्याण हो पुत्र। देवी अंजना, महाराज केसरी, आप दोनों को भी बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम। कल्याण। प्रणाम सुग्रीव भैया। हनुमान, ये किष्किंधा और सुमेरु की मैत्री की प्रतीक स्वरूप मुद्रा है, इसे स्वीकार करो। अंजना, हम स्वर्ग लोक से आपके पुत्र हनुमान को आशीर्वाद देने आई हैं। हनुमान, इन्हें प्रणाम करो पुत्र। अवश्य माँ। प्रणाम। इन्हें भेंट दो पुत्र। स्वर्गलोक तो बड़ा ही सुंदर होगा ना? हाँ हनुमान, देवराज इंद्र ने ये उपहार तुम्हारे लिए भेजा है। देवराज इंद्र? वो श्वेत गजराज वाले? उन्हें मेरा प्रणाम कहिएगा और उस गजराज को मेरा बहुत सारा प्रेम कहिएगा। अवश्य हनुमान, तुम्हारा कल्याण हो।
कीर्ति बढ़े, यश बढ़े, जगत में सम्मान हो तुम्हारा। चलो चलो, हम उपहार देते हैं मित्र हनुमान को। हाँ चलो चलो। मित्र, ये उपहार तुम्हारे लिए है। हाँ मित्र, हम सब की ओर से। धन्यवाद मित्रों। और ये उपहार तुम सब के लिए। धन्यवाद मित्र। देखो, पुंजिक स्थला का पुत्र हनुमान कितना तेजस्वी और कैसी मनोहरी छवि वाला है। हाँ चित्रा, हमारा भी मन होता है कि हमारा भी कोई ऐसा पुत्र हो, किंतु हमें माँ बनना वर्जित है। पुंजिक स्थला को देखो, अप्सरा होके भी कैसे माँ बन के गर्वित हो रही थी। हाँ, माँ बनी वो, ऐश्वर्यशाली पति का प्रेम पा रही है वो, सुमेरु राज्य की महारानी बन बैठी है। हमारे भाग्य ऐसे क्यों नहीं हो सकते। अपने विनाश के लिए अब अति बल से भी एक उपहार ले लो हनुमान। इस मायावी खिलौने से खेलते ही तुम सदा के लिए दशानन के दास बनकर रह जाओगे हनुमान। रुकिए, कौन है आप, कहां से आए? मैं अतिबल बटुकपुर गांव से आया। बटुकपुर, ये गांव कहाँ है और इसमें क्या है, दिखाइए। मैं जानता हूँ इन्हें। जब चक्रासुर से युद्ध हुआ था ना, तब ये सुमेरु में ही थे। ये एक बालक को बचाते बचाते स्वयं ही एक गड्ढे में फंस गए थे, तब मैंने इन्हें बाहर निकाला था। आप भी मेरे लिए कोई उपहार लाए हैं? हाँ हनुमान, ये लो, ये रहा तुम्हारा उपहार। अतिबल, ये लो, ये मायावी खिलौना, उसे जाकर दो। क्या है इसके भीतर? नहीं नहीं हनुमान, अभी नहीं, इसे बाद में खोलना। अकेले में कुछ विशेष है इसमें तुम्हारे लिए। हनुमान, मैंने निश्चय किया था जब तुम युवराज बन जाओगे तुम्हें ये चमत्कारी गदा प्रदान करेंगे। ये गदा अपने लक्ष्य पर प्रहार करने के पश्चात अपने स्थान पर स्वयं वापस आ जाती है। अरे वाह, चमत्कारी गदा। अंजना,
देख कर अंजना का सुख। अब मैं चलना चाहूंगी। अभी से? इतनी दूर से यहाँ तक आई हो तो कुछ समय हमारे साथ भी बिताओ। नहीं अंजना, कुछ समय मिला है तो सोच रही हूँ अप्सरा संगम तीर्थ हो लूं, फिर न जाने कब आना हो। चित्रा और अंभा यहीं रुकेंगी अभी। प्रेम सहित अभिवादन, मन की ईर्ष्या और तपन को लेकर जाती उर्वशी। मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी थी कि स्वर्गलोक की अप्सराएं सुमेरु गई हैं। लौटते समय तो आकाश मार्ग से ही जाएंगी। उर्वशी, स्वर्गलोक की अप्सरा। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे दशा। रावण ने एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया उसे कोई नहीं बचा सकता। रावण, तुम्हें मिले समस्त श्रापों और वरदानों के बारे में जानती हूँ मैं। मेरी स्वीकृति के बिना मुझे ले जाकर तुम अपनी मृत्यु को आमंत्रण दोगे, इसलिए उचित यही होगा कि तुम मुझे छोड़ दो। इंद्र की प्रमुख रतांगनी, अब तो मेरे दरबार में हमारे मनोरंजन के लिए प्रमुख नर्तकी बनोगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता रावण, मैं स्वर्ग लोक ही जाऊंगी। देवराज इंद्र से प्रेम करती हूँ। इंद्र, मेरे चरणों की धूल से अधिक वो कुछ नहीं, और यदि तुम उससे इतना प्रेम करती हो तो पृथ्वी लोक पर क्या कर रही थी? हनुमान, इन्हें प्रणाम करो पुत्र। अवश्य माँ। बोलो उर्वशी, किस सोच में डूब गई? मैं अपनी पुरानी अप्सरा सखी पूंजिक स्थला से सुमेरु मिलने गई थी। सुमेरु में स्वर्ग की अप्सरा क्या कर रही है? उसे एक ऋषि का श्राप था। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। और आज वही अप्सरा सुमेरु में दिव्य बालक हनुमान की माता बन इतरा रही। पहले तो देवताओं ने उसे जीवित किया, फिर उसे हनुमान नाम दिया। इतना ही नहीं लंकेश, देवताओं ने उसे वरदान में कुछ शक्तियां दी है जिनके बारे में अभी कुछ ज्ञात नहीं हो पाया है लंकेश। ओ, हनुमान, जा, स्वतंत्र किया तुम्हें। क्यों रावण, किससे भयभीत हो गए? उर्वशी, है तो रावण के शब्द कोश में है ही नहीं, बस दया आ गई तुम पर। वैसे भी दया का पात्र ही तो हो ना तुम। पुंजिक स्थला की भांति कभी मां तो नहीं बन सकते ना तुम। सदैव इंद्र के दरबार में नाचती ही रहोगी। कोई और सुख तो तुम्हें मिलने से रहा। किस सोच में डूब गई उर्वशी? जाओ, जाकर उस स्वार्थी इंद्र से अपना अधिकार मांगो। सत्य कहा,
अब या तो देवराज इंद्र को अंजना की भांति मुझे भी जीवन के सारे सुख भोगने का अधिकार देना होगा, या फिर अंजना को स्वर्ग वापस बुलाना होगा और इंद्रदेव के कहने पर अंजना को सब कुछ छोड़कर वापस आना होगा। माँ, मुझे सबने उपहार दिया किंतु आपने तो मुझे उपहार दिया ही नहीं। मैंने और तुम्हारे पिताश्री ने मिलकर तुम्हें गदा दी थी ना? वो तो पिताश्री का उपहार था, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, तो क्या चाहिए मेरे पुत्र को अपनी माँ से? माँ, मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार तो आप ही हैं। बस आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। पुत्र, मैं क्यों जाऊंगी तुम्हें छोड़कर? हाँ, अन्याय तो हुआ ही है, मेरे साथ भी और स्वर्ग लोक की बाकी अप्सराओं के साथ भी। अग्नि में कृत पड़ गया है रावण, अब तो अग्नि भड़केगी ही। अन्याय को न्याय में परिवर्तित देवराज इंद्र को करना ही होगा। मेरे प्रियतम इंद्रदेव, आपको हमारे साथ न्याय करना ही होगा। स्त्री की जलन फूस की ढेर के समान होती है, जिसमें थोड़ी सी भी चिंगारी डाल दो विकराल अग्नि जन्म देती है। जाओ उर्वशी, और जाकर अपनी जलन की अग्नि से स्वर्ग लोक को भस्म कर दो, मिटा दो इंद्र के सुख और चैन को। अब उर्वशी वही करेगी जो मैं चाहता हूं। मैं छीन लूंगा उस वानर बालक हनुमान का सुरक्षा कवच, हर संतान की सबसे बड़ी शक्ति और उसका सुरक्षा कवच होती है उसकी माँ। अंजना, अब जब इंद्र तुम्हें स्वर्गलोक बुलाएगा तो तुम्हें तो जाना ही होगा, और तुम जाओगी अपने बालक हनुमान को छोड़कर, जिसे मिले हैं बड़े बड़े वरदान किंतु अबोध है, वो होगा मेरे आक्रमण का परम लक्ष्य। अंजना, अब मेरी मायावी शक्तियों से अपने पुत्र हनुमान को कैसे बचाओगी? बोलो अंजना, कैसे बचाओगी अपने पुत्र, अभूत पुत्र हनुमान को? अरे वाह, इतने सुंदर खिलौने, ऐसा उपहार हर दिन मिल जाए तो बड़ा ही आनंद आ जाएगा। पुत्र, अब इन खिलौनों से खेलना बंद करो और सो जाओ, प्रातः शीघ्र उठना है ना तुम्हें।
आप सो जाओ हनुमान। किंतु माँ, मुझे तो निंद्रा ही नहीं आ रही है, और मुझे अपने खिलौने से भी तो खेलना है ना। युवराज हनुमान, अब तुम युवराज हो गए हो, खिलौनों से खेलना तुम्हें शोभा नहीं देता। किंतु पिताश्री, मुझे उपहार में तो खिलौने ही मिले हैं ना। अंजना, हनुमान अब युवराज बन गया है, उसे सब कुछ सीखना होगा, इसलिए अब तुम उसे अक्षर ज्ञान देना भी आरंभ कर दो। आप सत्य कह रहे हैं महाराज, हनुमान को इन खिलौनों के संसार से बाहर आना होगा। मैं कल ही इसके अक्षर ज्ञान की शिक्षा आरंभ कर देती हूँ। पुत्र हनुमान, चलो अब सो जाओ। पुत्र, सोने का प्रयत्न करो, आ जाएगी नींद। अंजना, इसे लोरी सुना दो, अभी सो जाएगा। मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।